ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है तो आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, है ना। कुछ डिस्कशन भी जरूरी है। हम आज शुरू करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानें, हमको कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कितने लोग थ्रू आउट इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं, कितने लोग हिंदी से और कितने लोग इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही क्या? इंदिरा दास आ रही है? अच्छा, तो पूरा इंग्लिश में पढ़ाना है, पूरा हिंदी में, या मिक्स करके पढ़ाना है, जिसमें आप ठीक लगे, क्योंकि जरूरी है समझ में। आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, जैसा आपको ठीक लगता है देखो। ठीक है, सबसे पहले आपको, चूंकि आप बीएससी फाइनल पढ़ चुके हैं, बीएससी फाइनल में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बड़ा पार्ट था केमिस्ट्री का, है ना। और उसमें सबसे पहले आपको जानना चाहिए वेव किसको बोलते हैं। वेव, बार बार वेव क्या है? वेव है, हम ये किसी भी तरह का विक्षोभ या विक्षेप जो कि गतिशील होता है, प्रोपेगेटिंग डायनामिक डिस्टरबेंस। डायनामिक डिस्टरबेंस, इसको हम वेव कहते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आप एक पानी में पत्थर मार दें तो पानी की लहरें इस तरीके से एक दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। इस तरह से डिस्टरबेंस का गतिशील रूप में आगे बढ़ना वेव नेचर या वेव प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई सडन डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो इससे एक एनर्जी की वेव निकलती है, एक एनर्जी का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वेव के दो पार्ट्स होते हैं। इस वेव के दो पार्ट्स में से एक पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, जबकि दूसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक पार्ट है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर गति करते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर ऊपर से नीचे कंपन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक जो हिस्सा होगा वो लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करेगा और ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें, फिर हम देखेंगे कि
रेंज, चलिए पहले तो रेंज देख लेते हैं, या पहले प्रॉपर्टी देख ले, ज्यादा अच्छा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। वैसे मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एमएससी में इतना बेसिक से बताते नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, मेरे को नहीं मालूम आप लोग कहां तक जान रहे हैं, तो इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चलें तो सबसे शुरुआत होती है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। कुछ ने कहा कि ये वेव है, मैंने कहा था वेव, और कुछ ने कहा ये पार्टिकल है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मूल अंतर इस चीज का है कि वेव्स जो होती हैं उनमें संवेग या मोमेंटम नहीं होता है, जबकि पार्टिकल यानी मटेरियल जो हम बात करें, पदार्थ कण, इनमें संवेग, इनमें अगर गति हो तो संवेग पाया जाता है। तो कुछ ने कहा कि भाई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेव के गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसमें इंटरफेरेंस पाया जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, इसको हम व्यतिकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। दूसरा, इसमें डिफ्रेक्शन पाया जाता है, विवर्तन। कुछ ने कहा ये पार्टिकल है, पार्टिकल में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो है रिफ्लेक्शन, परावर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस साल भी आप पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चूंकि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव के भी नेचर पाए जाते हैं, पार्टिकल का भी नेचर पाया जाता है, इसलिए आइंस्टीन ने कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होता है जिसमें पार्टिकल के भी नेचर पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज एक्चुअली वेव, इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट इट पॉजेजेस सम कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो। सो इफ वेव शोज कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, इट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दोहरा चरित्र। अब आते हैं हम मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट पे, वो भी पढ़ना है थोड़ा सा। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दी एनर्जी, बिकॉज दी वेव्स क्या है, वेव्स जो है वो ऊर्जा का विक्षोभ है, ऊर्जा का गतिशील डिस्टरबेंस, ये ऊर्जा है, एनर्जी होती है। तो इनमें जो एनर्जी होती है ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, यानी कि अगर हम एक वेव बनाएं तो ये वेव डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है, छोटे छोटे असतत पैकेट्स। इन पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटॉन के नाम से जानते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने हमको ये बताया कि
कि ऑल रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज और बंडल्स ऑफ एनर्जीज विच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। यहां तक, इसके बाद इसके आगे का डिस्कशन हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको जाननी चाहिए, जो बार बार यूज होगी, दैट इज वेव लेंथ। नाम से जाहिर है वेव लेंथ, वेव की लेंथ। तो एक वेव क्या होता है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक पूरा दोलन। दोलन मतलब एक बार पूरा ऊपर गया, एक बार पूरा नीचे, एक पूरा चक्र पूरा करने में कोई रेडिएशन जितनी दूरी तय करता है, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ। इट कैन बी डिफाइंड एज the distance between two nearest peaks or two nearest crests of the wave are also called wavelength. तो चूंकि ये length है, so it can be measured in centimeter, meter, nanometer और जो भी length measure करने की units हैं, उसमें हम इसको measure करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी, दैट कैन बी डिनोटेड बाय, एक्चुअल में थोड़ा सा तिरछा ऐसे करके डिनोट करते हैं, पर लिखने में थोड़ा सा वो होता है, इसलिए हम वी पे थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। दिस इज न्यू रोमन अल्फाबेट न्यू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ complete oscillations is equal to frequency। अब इसी को और भी तरीके से कहा जाता है, all the electromagnetic radiations travel with the speed of light। सारे के सारे electromagnetic radiations light की speed से गति करती हैं। तो एक बिंदु को, बिंदु से जब एक रेडिएशन लाइट की स्पीड में पार होती है, तो उसके कितने वेव्स पार होते हैं? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स क्रॉसिंग थ्रू अ पॉइंट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वन सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में ये एक वेव हुआ, ये दो वेव हुआ, ये तीन वेव हुआ, ये चार, ये पांच। मान लो किसी रेडिएशन का पांच वेव एक पॉइंट से एक सेकेंड में क्रॉस करता है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, 5 साइकल्स पर सेकेंड। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कितने बार कंप्लीट ऊपर नीचे कंपन करता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड are also called frequency, is also called frequency। इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, which is equal to hertz, Hz। अब ये ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू wavelength। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट है, इसके पहले कुछ बस खड़ी है, एक के पीछे एक लगातार बस है।
बसेस, दूसरी लाइन में कार खड़ी है, एक के पीछे एक एक जैसी कार खड़ी है, तीसरी लाइन में बाइक खड़ी है, इन सबको एक स्पीड से आगे बढ़ाइए और 1 मिनट में देखिए कि कितनी बस क्रॉस हुई, कितनी कार क्रॉस हुई और कितनी बाइक क्रॉस हुई। तो आप पाएंगे कि 1 मिनट में शायद 5 बस क्रॉस होगी, तो 10 या 12 कार क्रॉस हो जाएगी, तो करीब 25-26 बाइक क्रॉस हो जाएगी सेम स्पीड से। इसका मतलब यह हुआ जिसका साइज छोटा है वो ज्यादा संख्या में पार होता है। मतलब अगर रेडिएशन के टर्म्स में देखा जाए तो जिस रेडिएशन की लंबाई कम होगी वो ज्यादा संख्या में पार होगा, यानी कि वेवलेंथ जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि यहां स्पीड या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है सी। ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको और जाननी है, आजकल हम फ्रीक्वेंसी की जगह एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वेव नंबर। न्यू बार, वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ। जैसे मान लो हम 1 सेंटीमीटर में एक वेव लेते हैं, बड़ी वेव को, तो दो वेव आई। अगर इतनी ही लंबाई में हम छोटी वेव को लें, तो काफी सारी आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि वेव नंबर व्युत्क्रमानुपाती है किसके? वेवलेंथ के। एक्चुअल में डायरेक्टली अगर देखें तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ही होता है। तो इसको हम पर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब आते हैं हम एनर्जी ऑफ फोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी ऑफ फोटॉन और सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिखा जा सकता है। तो ये कहा गया, मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू, जहां एच प्लैंक का कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बट हम सब जानते हैं कि न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा, सो E को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। ये हो गया हमारा बेसिक जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। जब हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने ये पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत सारी रेंज होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो हम देखेंगे रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
रेंज और रीजन भी लिखा हो सकता है। यहां मैं नाम लिखूंगा, यहां वेवलेंथ, आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। एनर्जी भी लिख सकते हैं। मैं यहां बताऊंगा आपको कि किस तरह के स्पेक्ट्रम में इसका रोल होता है, क्योंकि आप आगे चल के अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाई एनर्जी से, कॉस्मिक रेज, वैसे गामा रे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। गामा रे की वेवलेंथ मानी गई 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में। यूनिट क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी इसकी है 3 × 10⁻¹¹। ये हमारे किसी काम का नहीं है, गामा के बारे में हम अभी जनरली नहीं पढ़ते। आते हैं एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, दैट इज 150, 1 to 150। एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 × 10⁻¹⁶। ये भी हमारे उतने काम का नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है इसका डिस्कशन। फिर इसके बाद बारी आती है एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, यूवी, ये काम का है। यूवी जो है ये है 3800 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 7.9 × 10⁻¹⁴। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम किस रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं? यूवी एंड विजिबल, इन दोनों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद बारी आती है इंफ्रारेड, IR। इंफ्रारेड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 6 × 10⁻¹⁶। एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, 3.95 से 5 × 10⁻¹⁺। इसका उपयोग जनरली होता है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर इसके बाद हम आते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 3 × 10⁻¹⁹। एनर्जी और कम हो जाएगी, 10⁻¹⁹ के टर्म्स में हो जाएगी। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम के, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको पढ़ना होता है माइक्रोवेव। रेडियोवेव बहुत कम, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁻³० और फ्रीक्वेंसी है इसकी 10⁻⁵ के टर्म्स में। NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जब हम पढ़ते हैं तब हम माइक्रो रेडियो वेव के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो आपको बेसिकली जो स्पेक्ट्रम आपके काम का है वो कौन सा है, यूवी से लेके रेडियो वेव तक का है ना। अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग, जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे होंगे तो बार बार नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आप यूवी और विजिबल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है ये। अब बारी आती है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। देखिए, जब हम किसी पदार्थ या सब्सटेंस को बाहर से एनर्जी देते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स बाहर के आवश्यक ऊर्जा की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो किसी भी चीज की उच्च ऊर्जा स्तर, एक्साइटेड स्टेट, स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता, तो ये फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना चाहते हैं। इस पुरानी स्थिति में वापस आने के लिए ये अवशोषित ऊर्जा को वापस बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन के रूप में बाहर निकालते हैं। और जब हम इन रेडिएशन को एक प्रिज्म से गुजारते हैं और उसकी फोटो लेते हैं तो हमको एक क्रम से ऊर्जा, क्रम से रेडिएशंस मिलती हैं। इस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम कहते हैं। थोड़ा और जानिए और उसके बाद आज का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, किसी भी पदार्थ में ऊर्जा स्तरों को मूल रूप से कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। तो मान लो कि E1 पे है हमारा और ये E2 पे है। किसी भी पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस सबसे ज्यादा ऊर्जा की बात जब हम करते हैं तो वो ऊर्जा हमको मिलती है किससे, यूवी और विजिबल रेंज ऑफ लाइट से, यानी कि पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश क्षेत्र से। हर एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे कंपन ऊर्जा स्तरों में बंटा होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V। तो ये हो गया V0, V1, V2, V3। E2 में अगर हम या इसको E' कर दें तो यहां आप ऐसा लिख सकते हो, V0', V1', V2', V3', ऐसा बटा होता है। एक वाइब्रेशनल एनर्जी से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी में जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कहां से, इंफ्रारेड रेडिएशन से। हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कई छोटे छोटे, हर एक कंपन ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में बदला होता है, ठीक है। तो इनमें एक से दूसरे में जाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, और वो बहुत कम है इसलिए हमको आसानी से माइक्रोवेव से मिल जाता है। अब इसको समझेंगे, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है तो साथ साथ कंपन ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि प्राप्त ऊर्जा का मान बहुत अधिक है तो इसलिए वो कम वाले परिवर्तन तो हो ही जाएंगे, साथ में हो जाता है। इसलिए सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एकदम शार्प क्लियर लाइन के रूप में न दिख के
थोड़ा सा फेडेड दिखता है, थोड़ा सा फैला हुआ लाइन के रूप में दिखता है। ऐसे ही जब आप आईआर पढ़ रहे होते हैं, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में पढ़ रहे होते हैं, तो जब वाइब्रेशनल, जब ऊर्जा का मान इतना नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करा सके, तो वो क्या करा पाता है? वाइब्रेशनल संक्रमण करा सकता है। ये वाइब्रेशनल संक्रमण जब भी होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब भी होता है, इट इज एसोसिएटेड विथ रोटेशनल ट्रांजिशन। इसके साथ साथ घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी परिवर्तन हो जाता है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है। इसलिए प्योर वाइब्रेशनल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां देनी पड़ती हैं। सामान्य परिस्थिति में प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता। रोटेशनल के लिए चूंकि एनर्जी इतनी कम है कि अगर सिर्फ रोटेशनल यानी कि घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है, तो ये ऊर्जा न तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है, न ही इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्योर के रूप में मिलता है। एक बच गया एनएमआर। नाभिक भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और इसकी भी उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इनके लिए जो ऊर्जा आवश्यक है, नाभिकीय अनुनाद में परिवर्तन करने के लिए, नाभिकीय संक्रमण में परिवर्तन करने के लिए या नाभिक को संक्रमित करने के लिए, उस ऊर्जा का मान इन सब से बहुत कम होता है। इसलिए उसमें होने वाला परिवर्तन इनको प्रभावित नहीं करता, इसलिए उसको अलग से पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना, आज आप ये पढ़िए। शायद महिलानी सर आप लोगों को कुछ पढ़ा रहे थे, इसलिए आज का टाइमिंग डिस्टर्ब हुआ है। कल से मेरे को एक काम करें, आप लोग जितने लोग हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मेरे को ऐड कीजिए, तो मैं आप लोगों की क्लासेस देखता हूँ कि कब कब ले पाऊंगा मैं, तो मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है ना? अदरवाइज आपकी जो टाइमिंग है वो 12:40 से, 12:45 से टाइमिंग रहेगी, 12:45 से 1:30 तक, ठीक।